नमस्कार। कितनी बार ऐसा लगता है ना कि हम बैठे हैं किसी सिचुएशन में और कोई मिल नहीं रहा जिससे दिल की बात कर सकें, जिसको बता सकें, जिससे पूछ सकें। तो अब आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जय मदान रोज़ आऊँगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके पास, आपसे आपकी दिल की बात सुनने और आपको बताने क्या करना है, कैसे करना है, जिससे हमको बेनिफिट होगा। बस आपको सिर्फ दो छोटे काम करने हैं। एक, डेली सुनना है, क्योंकि कोई भी चीज़ रेगुलर करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। तो टाइम्स नाउ पर, नव भारत पे, आपको रेगुलर इसको सुनना है, इसको समझना है और फिर इसको करना है, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर आप इतना करने को तैयार हैं तो मेरी भी कमिटमेंट है कि मैं रोज़ आऊँगी और आपकी मुश्किलों को सुलझा के रहूँगी। तो चलिए फिर देर नहीं करते, शो की शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले लोगों के लिए खुश होने की बात है, क्योंकि इनका अच्छा समय आने वाला है। जिस तरह से आप खुद में एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे, इसको अनुभव करेंगे, जल्द ही आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दस्तक देने वाला है जो चलकर आपके जीवन भर आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ आपका साथ निभाएगा। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए। उनकी तरक्की, उनकी इच्छा, उनके फ्रेंड सर्कल, उनकी तबीयत, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बच्चों की तबीयत का खास तौर पे ध्यान रखिए, वो थोड़ी बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। सो जस्ट बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट योर चिल्ड्रंस हेल्थ। बच्चों का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देर नहीं करते हैं, आपकी लकी कलर की बात करते हैं, लकी नंबर की बात करते हैं। आपका लकी कलर है आज पीच कलर, लकी नंबर है नंबर 11 और लक साथ दे रहा है आपका आज के दिन 67%। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। चलिए अब वृषभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आज के दिन अगर आप कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो एकदम से आपको परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप बहुत अर्जेंसी ना हो तो घर से ना निकले, मतलब अपने परफेक्ट टाइमिंग्स को ध्यान में रखकर निकलें। जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द कोविड प्रिकॉशंस, ठीक है। अपने परिवार के साथ बिना बाहर जाए भी आप अच्छा टाइम बिता सकते हैं। सुकून भरे समय, सुकून भरे पल बिताने का ही अच्छा टाइम है। लेकिन आपको ख्याल ये रखना है कि आप किसी ऐसे आदमी की सलाह ना फॉलो करें जो आपके साथ अननेसेसरी अनबन कर ले या आपके काम में कोई ना कोई नुकसान कर दे। इससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर यू डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवनस एडवाइस, इस बात का ध्यान रखें। वैसे आपके छोटे मोटे ट्रैवल की किसी से मुलाकात हो या टेलीफोनिक अगर कोई नई कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। चलिए अब आपका लकी कलर, लकी नंबर जानते हैं। लकी कलर है आपके लिए ब्राइट रेड कलर, लकी नंबर है आपके लिए 9 नंबर और लक साथ दे रहा है आज आपका 75%। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाइज की। आपका आज का दिन कैसे रहेगा ये जानते हैं। आपका आज अच्छा बिहेवियर आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, अच्छे इमोशंस, अच्छा टाइम लेकर आने वाला है। दिन खास होने से पहले आपको इस दिन, आज के दिन, खास आज के दिन आपको कोई एक इनकम्प्लीट काम जो पूरा होने का वेट था वो पूरा होगा। थोड़ा अपने इनकम्प्लीट चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, उस तरफ नज़र घुमाइए। अगर कहीं किसी के पैसे देने पेंडिंग है तो ज़रूर दीजिए। आप किसी का रुका हुआ काम चलाएंगे तो आपका काम भी चलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन साथी के ज़रिए आपको कहीं कोई फ़ायदा होने वाला है, कोई बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा, कोई बेनिफिट हो जाएगा। सो मे बी स्पीक टू योर पार्टनर अबाउट एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। आपके पास अपने मतलब जो आपके भरोसे वाले लोग हैं, इस भरोसे को आपको बना कर रखना होगा। आपको अपने फेथ को आज के दिन हिलने नहीं देना है, बस इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। लकी कलर ध्यान है मुझे, आपका लकी कलर है आज क्रीम कलर, लकी नंबर है 3 और लक साथ दे रहा है आपका 56%। आइए बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कि कैंसरियंस की। कर्क राशि वालों को आज किसी को भी उधार देने से बचना है। इस चीज़ को आज के दिन हमको इग्नोर करना है, किसी को उधार नहीं देना है, क्योंकि अगर आज आप उधार देंगे तो पैसे वापस आने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि पैसे वापस आएंगे, तो सोच समझ कर दीजिएगा। साथ ही इससे आपके रिश्तों में भी एक दूरी आ सकती है। वैसे आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है या फ़ोन पर बात हो सकती है, जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी
और आपके पुराने समय की यादें जो हैं ये ताज़ा हो जाएंगी। वैसे आप अपने जीवन साथी के साथ टाइम बिल्कुल स्पेंड करें, आज इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, अपनी बाकी चीज़ों में भूलें नहीं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। लकी कलर बताती हूँ आपके लिए, आपके लिए लकी कलर है बेज कलर, यानी कि बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर। लकी नंबर है आपके लिए नंबर 55 और लक साथ दे रहा है आज आपका 77%। सो इट्स ओवरऑल फेयर गुड एंड हैप्पी डे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के लोगों की। सिंह राशि जिन लोगों की है, इन लोगों को खेलकूद, एक्साइटमेंट, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। इस सब चीज़ों में आप अपने आप को, अपने दिन को व्यस्त रख सकते हैं। आज फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। इनका समय, अच्छा समय जो है ये आज 11:30-12 बजे से शुरू हो रहा है। इनके लिए कोई नए रास्ते खुलेंगे, कोई नई ऑप्शंस बनेंगे। जो लोग पहले से किसी करियर में अच्छी सफलता पा रहे हैं, मिल रही हैं, उनको और अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, आज इनको नए एप्लीकेशंस या नए जगहों पर अपना रिज्यूमे भेजना चाहिए। इसके अलावा आपके पैसे किसी कोर्ट कचहरी में अगर अटके हुए हैं, किसी लीगल जगह पर अगर अटके हुए हैं, तो इसमें भी आज आपको रिलीफ मिलेगी, इसमें भी आपको आज बेटरमेंट नज़र आएगी। आपको पैसे कहीं किसी दोस्त के पास रखवाए हुए हैं तो वो भी वापस मिल सकते हैं। थोड़ा आपको इस डायरेक्शन में पुश करने की ज़रूरत है। लक की बात करते हैं, कैसे इसको इन्हेंस करें। लकी कलर का मतलब ये है कि आज ये रंग पहन लें ताकि चीज़ें साथ चलें। लकी कलर है आपके लिए ग्रीन कलर, लकी नंबर है 4 और लक साथ दे रहा है 59%। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की, वर्गोज की। आज आपको किसी सामाजिक काम में भाग लेने का मौका मिल सकता है, किसी सोशल एक्टिविटी में किसी की मदद करने का आपको मौका मिल सकता है, जिसकी वजह से आप बाकी लोगों पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएंगे, एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी आपकी लोगों को नज़र आएगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आएंगे। आज आप अपने घर से दूर रखकर कहीं पर काम या पढ़ाई अगर करते हैं, मतलब अपने बेडरूम से भी दूर जाकर काम या पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए बेटर है। आपके घर वालों से बात करें, आज अपने दिल की बात उनसे शेयर करें, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। आज के दिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना है, खास तौर पे किसी फीमेल से, यह आपकी तकलीफ बढ़ा सकती है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आपके लिए आज लकी कलर है स्काई ब्लू कलर, लकी नंबर है 4 और लक आपका साथ दे रहा है आज 57%। चलिए अब हम बात करते हैं आज तुला राशि वाले लोगों की, यानी कि लिब्रेंस की। आज आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा समय बीतने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आज आपके पूरे होंगे। आज आपके प्यार का जवाब आपको मिलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आज के दिन इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज आपको रोमांस का मौका भी मिलेगा। वैसे अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर करिएगा, देखिए कहीं नुकसान नहीं हो। नहीं तो आज अगर इन्वेस्ट ना करें तो और अच्छा रहेगा, सिर्फ पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को ही ऑब्जर्व कर दीजिए। आज आपका ज़्यादातर काम जो है अपनी फैमिली और अपने घर पर बैठकर ही पूरा होगा, तो आज के दिन को एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करें। आपके लिए लकी कलर निकालते हैं, आपके लिए लकी कलर है वाइट कलर, आपके लिए लकी नंबर है 35 आज के लिए और लक आपका साथ दे रहा है 67%। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि स्कॉर्पियंस की। आज आपके लिए ज्वेलरी या एंटीक में इन्वेस्ट करना है या किसी गोल्ड रिलेटेड या सिल्वर रिलेटेड कमोडिटी में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद हो सकता है। वैसे आप अपने इस वेंचर्स में अपने माता पिता को शामिल करेंगे, अपने पेरेंट्स से सलाह लेंगे तो आपको दुगना फ़ायदा होगा। सो स्पीक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, या जिसको आप अपना मेंटोर मानते हैं उसी से सलाह ले लीजिए। जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा तनाव हो सकता है, ज़्यादा कही सुनी बात को एग्रेसिवली नहीं लें, थोड़ा एट ईज लें, थोड़ा लेट गो करें। घर के खर्चों में भी काफ़ी सावधानी आपको बरतनी है, कोई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपकी वेट कर रहा है, नहीं तो अननेसेसरी खर्चा करने के बाद आप परेशान होंगे और फिर आगे चलकर अपनी बाकी चीज़ों को खींचतान करेंगे। सो आज थोड़ा सोच समझ कर पैसे खर्चने के बारे में बात करें। कलर की अगर मैं बात करूँ दिन को बेहतर बनाने के लिए, लकी कलर है आपके लिए सिल्वर, लकी नंबर है आपके लिए 8 और लक साथ दे रहा है आपका 73%। इट्स अ फेयरली गुड डे। अब चलिए धनु राशि की बात करते हैं।
धनु राशि के लोग, तो धनु राशि के लोग आप अपने जो मेंटल हेल्थ है आज आपको इस पर ध्यान देना होगा। यही नहीं, आप अपना ध्यान अपने इनर सेल्फ पर लेकर जाइए। आज कुछ समय निकालकर अपने बाहर की नहीं, अपने अंदर की सफाई कीजिए। पुराने इश्यूज जिनको आप लेकर बैठे हुए हैं, पुरानी चीज़ें जिनको आप सुलझा नहीं रहे हैं, किन लोगों के साथ ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं, आज इन लोगों को मैसेज करें, कॉल करें, अपने दिल की बात कहें, अपने ग्रजेस को दूर करें। इट इज़ अ डे फॉर यू टू गिव यू सुकून। आज आपका सुकून का दिन है। अपने इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लेट गो कीजिए। अपने जीवन में रोमांस को आज आप थोड़ी सी हवा दे सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ फेयरली रोमांटिक डे फॉर यू। अगर आप अकेले हैं तो आज के दिन आप चैटिंग या डेटिंग ऐप्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको किसी अच्छे इंटरेस्टिंग इंसान से बातचीत करने का मौका मिलेगा। यू विल हैव अ एंजॉयबल डे टुडे। आपके लिए मैं लकी कलर निकालती हूँ। आज के लिए आपका लकी कलर है वेरी लाइट येलो, लिटिल टिंज ऑफ येलो। लकी नंबर है आपके लिए नंबर 7 और लक साथ दे रहा है आपका। आज के दिन लक मीटर कहता है 80%, सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे फॉर यू। आइए बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि वाले लोग लाइफ में कुछ बचे हुए पल जो आज दिन के हैं ये खुशी से सुकून से बीतेंगे, जिससे आपकी पूरी थकान उतर जाएगी। आज के दिन अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, बॉडी को पैम्पर कीजिए, डिटॉक्स चीज़ें लेते रहिए। एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फैमिली के साथ एक अच्छा डिनर प्लान कीजिए, अच्छे से बैठकर खाना खाइए। और बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप आज के दिन ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं, यानी कि फ्लोर पर मैट लगा के खाना खाते हैं। राहू के नेगेटिव इम्पैक्ट्स दूर होंगे। इससे आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी खुश होंगे और बड़े बुजुर्गों का आज के दिन आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बहुत खुशकिस्मती वाली चीज़ रहेगी। सो अपने से बड़ों से बात करें, ज़मीन पर बैठ के खाना खाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और साथ ही साथ अपने दिन में अपने काम को सुधारने के लिए कुछ खास टिप्स दे रही हूँ मैं आपको, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे आज के दिन आप किसी भी फॉर्म में ग्रे कलर को यूज़ करें, कुछ नहीं तो ग्रे सॉक्स ही पहन लीजिए। आज के दिन लकी नंबर है आपके लिए 8 और लक यानी कि भाग्य मीटर, लक मीटर कह रहा है कि आपका साथ देगा आज 75%। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोग अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, जिससे आपकी जीवन साथी के साथ आपकी एक ट्यूनिंग बेटर होगी। तो आज आपके पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अच्छा दोस्त, आपके पार्टनर की वजह से, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कि मदद से आप कोई नया सुधार, कोई नया बड़ा चेंज लेकर आएंगे। आपका दिन और अच्छा बताने के लिए आज आप गरीब बच्चों को टॉफ़ी बांट सकते हैं या आपके घर में काम करने वाले लोगों का मुँह मीठा कराइए, टॉफ़ी बिस्किट कुछ भी खिलाइए। आज आप अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे तो कोई बात नहीं, एक दिन में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक फैमिलीज अंडरस्टैंड अस। आज अपने पेंडिंग कामों को पूरा कीजिए, दिन भर आपके पेंडिंग काम आज स्पीड से पूरे होंगे। सो यूटिलाइज योर डे इन अ वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड मीनिंगफुल डे। अब आपके लिए कलर की बात करूँ तो आज आपके लिए फेवरेबल कलर है ब्राइट पिंक, शाइनी पिंक कलर। अगर मेल्स हैं तो इस कलर का छोटा सा कपड़ा अपनी पॉकेट में डालकर रख सकते हैं, इट विल गिव यू गुड बेनिफिट। नंबर आपके लिए लकी नंबर है नंबर 6 और लक साथ दे रहा है आपका आज के दिन 67%। इट्स अ ब्यूटिफुल डे फॉर यू। अब हम बात करेंगे मीन राशि वाले लोगों की। मीन राशि वाले लोगों को अपना समय पढ़ने में बिताना चाहिए, फिर चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो या आपके काम और आपके स्किल्स की ग्रोथ से जुड़ा हुआ हो, आज कुछ देर पढ़ना है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज डिफ़िकल्ट लेसन्स पढ़ने के लिए अच्छा दिन है। जो लोग मैथमेटिक्स, कोडिंग्स, आईटी में हैं, उनके लिए आज बड़ा फेवरेबल दिन रहेगा। आपके लिए ये पढ़ना करना बहुत बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन आप अपने काम के समय को निकाल कर बच्चों के साथ समय गुजारें तो आपका दिन भर का स्ट्रेस, एंग्जाइटी, थकावट जो है वो दूर होगी। आज के दिन आप अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाइए। अननेसेसरी आपसे आपके सीनियर्स, आपके बॉस या आपके बड़े कस्टमर्स इरिटेट हो सकते हैं, सो मेक श्योर यू डोंट अफेंड देम, यू डोंट आर्ग्यू विद देम। लकी कलर दिन को अच्छा और सूदिंग बनाने के लिए लकी कलर रहेगा आपके लिए आज एक्वा कलर, पानी का रंग जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपके लिए आज 41 और लक साथ दे रहा है आपका 71%। आइए बात करते हैं आज की टिप की। आपके हैप्पी होम को एक्चुअली हैप्पी बनाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। आपने देखा है कि कई बार बच्चे इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, माहौल घर का चिड़चिड़ा हो जाता है,
आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में आपने देखा है कि जो स्माइली बॉल्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं, और हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि स्माइली बॉल्स येलो ही क्यों हैं, ये ग्रे भी हो सकती हैं, पिंक भी हो सकती हैं, ग्रीन भी हो सकती हैं, बट येलो हैज़ दी पावर, इस कलर में वो ताकत है कि एक हैप्पीनेस, एक स्प्रिंग, एक गे फीलिंग को, एक खुशी वाली फीलिंग को एलिवेट करता है, इसको उठाता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़े थोड़े स्माइली के बॉल्स जैसे स्टिकर्स बना लेने हैं, मार्केट में मिल भी जाते हैं। इसको आपको अपने बच्चों के स्टडी एरिया पर सिलेबस का लगाकर इसके ऊपर दो स्माइली को चिपका देना है, येलो कलर के बॉल्स को या येलो कलर के स्टिकर्स को। इससे बच्चों को एजुकेशन को लेकर स्ट्रेस नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होता कि इतना कोर्स बचा है, ये करना है, इतना सारा कोर्स है, ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। इसके साथ में अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं और आजकल घर से काम कर रहे हैं, या आप वैसे भी घर पर ऑफिस की फाइल्स रखते हैं, तो उसके आसपास के एरिया में जहां आप अपने ऑफिस का सामान रखते हैं या डेस्क पर काम करते हैं, उस एरिया के आसपास भी अपनी विजिबिलिटी पे ये स्माइली स्टिकर्स लगा दीजिए। दिस कम्स एज अ रिमाइंडर इन योर ब्रेन टू कीप यू हैप्पी। आप अपने घर में जो चीज़ें करते हैं, अपने आसपास जो चीज़ें करते हैं, वो बहुत लॉन्गर रन में आपके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप पूरा दिन बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो भी तो 1/3 ऑफ योर लाइफ आप अपने बेडरूम में बिताते हैं, और आजकल लॉकडाउन के समय पर या कोविड के बाद लोग 2/3 या कंप्लीट अपना कितने कितने महीने, कितने कितने घंटे सिर्फ घर पे ही बिताते हैं। तो एनी चेंज दैट यू डू इन योर होम इम्पैक्ट्स योर ब्रेन एंड योर लाइफ। आइए मैं आपको एक स्पेशल हेल्थ टिप देती हूँ। मेल हो या फीमेल, इस मौसम में स्किन ड्राई हो जाती है और एक ब्लैकिशपन आ जाता है स्किन पर। इसको दूर करने के लिए आपको बहुत महंगे स्क्रब्स या बहुत महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में ही सारा खजाना है। आजकल तो किसी भी चीज़ पर ऑर्गेनिक लिख दो और उसके पैसे 3 गुना बढ़ जाते हैं। आपकी किचन से ज़्यादा ऑर्गेनिक और क्या होगा। एक बोल चीनी लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालिए, इसको भिगो दीजिए। अपने किचन में कांच के जार के अंदर इसको डालकर रख दीजिए। जब आपको अपनी स्किन को सॉफ्ट करना हो, लाइक बेबी सॉफ्ट, तो आपने ये थोड़ा सा निकाला चीनी और ऑलिव ऑयल का, जैतून के तेल का और चीनी का मिक्सचर, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा उसी समय ताज़ा, और अपनी पूरी बॉडी पे स्क्रब कर लिया। आपकी स्किन टैन नहीं रहेगी, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, और नहाने के बाद आप ऐसा फील करेंगे जैसे सप्पल फ्रेश बेबी स्किन। ट्राई इट आउट टुडे। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। जाने से पहले आपके सितारों को भी तो ठीक करना है। लक मीटर का क्या है आज का स्पेशल टिप, क्या है स्पेशल उपाय, ये आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे काम इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि मेरी शनि की 7.5 चल रही है। इसको बेटर कैसे करें और शनि की 7.5 तंग करती क्यों है। ऐसा है कि सैटर्न को अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली देखें, इट्स अ स्लो मूविंग प्लैनेट, है ना। उसको 30 ईयर्स लगते हैं एक चक्कर काटने में, जो हम अर्थ पे रहकर 365 दिन में कराते हैं। तो हर चीज़ की गति को शनि धीरे कर देता है, स्लो कर देता है, और क्योंकि वो स्लो कर देता है, किसी भी काम को हम धीरे 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 देखेंगे और करेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी ना, और जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो हम गलतियाँ जल्दी पकड़ेंगे। तो शनि गलती भी पकड़ते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं और स्लो भी रिजल्ट देते हैं। तो जब लोग ज़िंदगी में गलत काम करते हैं और शनि की 7.5 आ जाती है, तो सारे गलत चीज़ों का हिसाब देना पड़ जाता है। ये इसके पीछे का लॉजिक ये है, बिकॉज इट इज़ स्लो, इट ऑब्जर्व्स बिकॉज इट इज़ स्लो, और क्योंकि वो उसके पास समय बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको उसका नेट रिजल्ट साथ के साथ दे देते हैं, हिसाब किताब बराबर। इसको ठीक कैसे करें। अगर शनि आपको तंग कर रहे हैं, शनि की 7.5 तंग कर रही है, लगातार ब्लाइंड लोगों को, जिन लोगों की आँख नहीं है या जिन लोगों के बॉडी में लिम्स पूरे कंप्लीट नहीं है, यानी कि किसी तरीके से हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जब आप डोनेट करते हैं तो आपके शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं और 7.5 का भी नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। सो लुक फॉर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू कैन डोनेट। अगर आप जाके नहीं कर सकते, हाँ बाहर हैं, अब्रॉड हैं, चिंता मत कीजिए, आप ऑनलाइन तो डोनेट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन डोनेट करते हैं फॉर एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु डोंट हैव देयर प्रॉपर लिम्स, यानी कि हैंडीकैप हैं या फिर उनकी आँख नहीं है, अगर आप इनके लिए डोनेट करते हैं तो सैटर्न आपको तंग नहीं करेंगे बल्कि आपको अच्छे बेनिफिट देंगे। इसके साथ साथ अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, आपको मुझे इजाज़त देनी होगी ताकि मैं कल फिर आ सकूँ आपके लक मीटर को सुधारने, आपके लक मीटर के बारे में आपको बताने। छोटी छोटी चीज़ें कर कर अगर ज़िंदगी बेहतरीन हो सके तो फिर इसमें क्या हर्ज है। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए,
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।